हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास प्लस टू चैप्टर टू कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यू। नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। इसके ऑप्शंस हैं फॉर, ब्रेक, इफ और व्हाइल। तो इसका सही आंसर है इफ। ये जो इफ स्टेटमेंट है इसे कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इफ स्टेटमेंट है ये सही या गलत का फैसला करती है। नंबर टू, स्विच केस इज सिमिलर टू डैश स्टेटमेंट। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो स्विच केस है इसको स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं और ये एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसके ऑप्शन है इफ, इफ एल्स, ब्रेक और गो टू। तो इसका सही आंसर है इफ एल्स इफ। जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है इसको इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये भी एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जैसे स्विच स्टेटमेंट होती है। अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, सही या गलत। अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस हो तो उस केस में स्विच केस स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज होती है। नंबर थ्री, विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन द स्विच स्टेटमेंट। कि स्विच स्टेटमेंट में अगर आप किसी केस में से बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है। इसके ऑप्शंस हैं कंटिन्यू, गो टू, इफ और ब्रेक। इसका सही आंसर है ब्रेक। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये एक जंपिंग स्टेटमेंट है। अगर आप स्विच स्टेटमेंट या किसी लूप में से बाहर आना चाहो तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। ये आपको बताना चाहूंगा कि जब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा केस वैल्यूज होती है और एक टाइम पे एक ही केस एग्जीक्यूट होता है। वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? क्योंकि हर केस के बाद में हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, जिससे क्या है कि वो उस केस को टर्मिनेट कर देता है जिसमें से हम बाहर आना चाहते हैं। या प्लस वन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब होता है कि जिस लूप में कंडीशन सबसे बाद में चेक होती है उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। और एक होती है प्री टेस्ट, जिसमें कंडीशन शुरू में चेक हो जाए वो होती है प्री टेस्ट लूप। तो ये पोस्ट टेस्ट लूप के लिए इसकी एग्जांपल है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल और कंटिन्यू। तो इसका सही आंसर है डू व्हाइल। ये डू व्हाइल स्टेटमेंट एक पोस्ट टेस्ट लूप है। इसके अंदर बॉडी ऑफ लूप पहले चलती है बट जो कंडीशन है वो सबसे लास्ट में चेक होती है। नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंपिंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है? जंपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जिसकी मदद से हम प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं व्हाइल, कंटिन्यू, गो टू और ब्रेक। तो इसका सही आंसर है व्हाइल। कि जो व्हाइल स्टेटमेंट है वो एक जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है, वो कौन सी स्टेटमेंट है? एक लूपिंग स्टेटमेंट है। कंटिन्यू, गो टू और ब्रेक, जो तीनों कौन सी स्टेटमेंट है? जंपिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। कि कौन सी लूप के अंदर जो कंडीशन है वो बॉडी ऑफ लूप से पहले चेक होती है? तो इसका आंसर है प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप में कंडीशन पहले चेक होती है और बॉडी ऑफ लूप बाद में चलती है, जैसे व्हाइल लूप। हम कह सकते हैं कि व्हाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप है। नंबर टू, इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। किस लूप के अंदर कंट्रोल कंडीशंस बॉडी ऑफ लूप के बाद में चेक होती हैं, उनको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। हमारी जो डू व्हाइल लूप है वो एक पोस्ट टेस्ट लूप है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉडी ऑफ लूप पहले चलती है और कंडीशन लास्ट में चेक होती है। नंबर थ्री,
डैश स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप सम स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप, कि किसी लूप में से अगर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है, छोड़ना है, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी? तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एक जंपिंग स्टेटमेंट है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का ये काम है कि अगर आप किसी लूप में से किसी स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हो तो वहां पे कॉन्टिन्यू लगा दो। तो कॉन्टिन्यू लगाने से क्या होगा, किसी कंडीशन के साथ जब कॉन्टिन्यू यूज होगा तो वो उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा जिसके ऊपर आपने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगाई है। नंबर फोर, डैश इज ए मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कि कौन सी स्टेटमेंट को मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है? तो इसका आंसर है स्विच केस। जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये एक मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसको मल्टी वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो से ज्यादा जो कंडीशंस हैं हमारे पास हो सकती हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट होती है इफ एल्स इफ लैडर, वो भी हमारी मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। नंबर फाइव, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन द डैश स्टेटमेंट। कि ब्रेक स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट में केस को खत्म करने के काम आती है? तो इसका आंसर है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा केस वैल्यूज होती हैं। तो किसी भी केस वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। आगे है राइट ट्रू और फॉल्स, मीन्स की सही गलत बताओ। पहला है राइटिंग इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जब एक इफ स्टेटमेंट को दूसरी इफ स्टेटमेंट में लिखते हैं तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि जब हम एक इफ स्टेटमेंट को दूसरी इफ स्टेटमेंट में लिखते हैं उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, ना कि नेस्टेड लूप। नंबर टू, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड फॉर अल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट्स की मदद से हम जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है उसको बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। नंबर थ्री, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज समटाइम्स डिजायरेबल टू स्किप सम स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप। कि जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करने के लिए प्रयोग होती है, ये बिल्कुल सही है। कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की मदद से हम लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। नंबर चार, लूपिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए वे टू रिपीट कमांड्स। कि लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से हम कमांड्स को या स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।